हेलो दोस्तों, वर्गणो भाई चल, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। और आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है और हम सब रेस्टोरेंट का खाना तो ज़रूर मिस कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी शेयर किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, जो इस रेसिपी में मंचूरियन रेसिपी में मैं जो भी सामग्री ऐड करूंगी वो वीडियो के साथ ही बताती रहूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग मंचूरियन की पकौड़ी बनाएंगे। तो मंचूरियन की पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैं बंदे, गाजर और शिमला मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। इसे क्या करेंगे, एक मिक्सी में जार में डाल कर ना इसे थोड़ा सा मोटा पीस लेंगे, बहुत महीन नहीं करेंगे। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मिक्सी में बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सारी सब्जियां हमारी पीस गई है, एक बड़े बर्तन में से डाल लीजिए। अब इसमें मिलाना है हमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर आप डाल सकते हो। और इसमें नमक ऐड नहीं करना है, नमक ऐड करेंगे तो जो सब्जियां हैं ना वो पानी छोड़ देगी और हमारी पकौड़ियाँ नहीं तैयार होगी। अगर फिर भी इसमें पानी आपको निकलेगा तो आप यहाँ पर मैदा या फिर अरारोट 1 चम्मच मिला सकते हैं, बंधे में पानी निकलता है। फिर हम इसे छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे पकौड़ियों की, और इसे दबा दबा के जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा सब निकाल देंगे। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो ये जो पकौड़ियाँ हैं ना तेल में खुल जाएगी और ये पकौड़ी के शेप में नहीं आएगी, पता नहीं क्या बन जाएगा। तो इसका पानी आप अच्छे से निकाल दीजिए और इस तरह अपनी सारी पकौड़ियाँ तैयार कर लीजिए। अब बारी है पकौड़ी को तलने की। तो हम लोग ने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, ये लगभग आधी कटोरी तेल है। आप देख लीजिए आपको पकौड़ी कितने तेल में आपको फ्राई करनी है। मैं यहाँ पर 7-8 पकौड़ी एक बार में फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। पहले पकौड़ी डालेंगे और लगभग 30 सेकंड तक हमें हिलाना नहीं है। अगर हम इसे कंछर से हिलाते हैं तो इसकी खुलने का डर रहेगा, तो इसे हमें हल्की आँच पर हल्का ब्राउन होने तक, ठीक है, इसे फ्राई करना है। तो सारी पकौड़ियाँ चले से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हल्का सा ब्राउन थोड़ा सा तैयार हो गया, इसे निकाल लेते हैं और बाकी पकौड़ियाँ भी हम लोग तल के तैयार कर लेते हैं। मंचूरियन की पकौड़ी साइड में रखी और बारी है ग्रेवी की। तो हमने ग्रेवी के लिए यहाँ पे लिया है शिमला मिर्च, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने शिमला मिर्च को काट लिया। आप साइज़ देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे शिमला मिर्च है, प्याज है और यहाँ पर ये बीन्स है, बीन्स आप ले सकते हो। और थोड़े से आपको लेना है लहसुन, ठीक है। और क्या करना है, थोड़ा सा तेल आप कढ़ाई में लीजिए, लहसुन को डालिए और सारी सब्जियों को डालिए। ये नहीं कि आपको अलग से प्याज पहले से पकाना है, आप सारी सब्जियां एक साथ डालकर इसे लगभग 4 से 5 मिनट हमें भूनना है, ना कि इसे पकाना है। इसको भूनिए, फिर स्वाद अनुसार इसमें नमक डालिए। अब इसमें क्या डालना है, अब इसमें आपको सोया सॉस ऐड करनी है। मैं 2 चम्मच सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार जो सामान है उससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। सोया सॉस के बाद अब मैं 1 चम्मच यहाँ पर ऐड करूँगी विनेगर का, यानी सफ़ेद सिरके का। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया है। अब मैं 2 चम्मच टमाटो सॉस के ऐड करूँगी और 1 चम्मच चिली सॉस ऐड करूँगी। दोस्तों अब हमें ग्रेवी में डालना है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। लेकिन दोस्तों जब हम लोग पकौड़ी बना रहे थे तो पकौड़ी का पानी निकाल रहे थे, तो जो हम पानी निकाल रहे थे उसमें था कॉर्नफ्लोर और सब्जियों के विटामिन्स। तो दोस्तों हमें वो पानी नहीं फेंकना, उसका इस्तेमाल करना है ग्रेवी में, जिससे हमें एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर नहीं डालना पड़ेगा और दोस्तों और पानी का सही से यूज भी हो जाएगा। तो मैंने यही पानी का इस्तेमाल किया और इसके अलावा मैंने आधा ग्लास लगभग पानी और भी ऐड किया है। दोस्तों इतना कॉर्नफ्लोर काफ़ी होता है आपकी ग्रेवी को थिक बनाने के लिए। दोस्तों अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है तो आप इसमें पानी मिला सकते हो। आप ना इसे बहुत गाढ़ी रखना, ना बहुत इसे पतली रखना, और अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। दोस्तों अगर आप गरम मसाला ऐड नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल ही इसे चाइनीज़ स्टाइल में बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर गर्म मसाले की जगह यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च को दरदरा पीस कर डाल सकते हैं। तो हमारी जो मंचूरियन की ग्रेवी है वो तैयार हो गई। दोस्तों अगर आप इसे तुरंत खाना चाहते हैं तो इसमें पकौड़ियाँ डालकर आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कुछ देर रुककर खाना चाहते हैं तो ग्रेवी को आप एक बर्तन में निकाल दीजिए और इसमें पकौड़ियाँ ऐड ना करें। जब भी आप इसे सर्व करें इसे गर्म करें। अगर ये थिक हो आपको नज़र आए तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी थोड़ा सा पक जाए 1-2 मिनट तो आप इसमें पकौड़ियाँ ऐड कर दें। पकौड़ियाँ ऐड करने के 2-3 मिनट बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे हल्की आंच में पकाना है, पकाना नहीं थोड़ा सा गर्म करना है, और उसके बाद आप इसे सर्व करें। अगर हमने इसमें पहले से पकौड़ी डाल दी होती तो ये जो पकौड़ी है बहुत ज़्यादा नरम हो जाती, मुलायम हो जाती, फिर खाने में उतना मज़ा नहीं आता।
दोस्तों हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन बनके तैयार है। इसे आप नॉन के साथ भी खा सकते हैं और या फिर फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। मैंने फ्राइड राइस के साथ बनाया था दोस्तों, ये फ्राइड राइस भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। तो अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए ना तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों ये जो रेसिपी है मंचूरियन की, आप इसे ट्राई ज़रूर करना, और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लेकर कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगे घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।